लर्निंग टेक्निकल्स 777 पे आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आगे बढ़ूँ उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, उससे आने वाली हर वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और आप उसे सबसे पहले एंजॉय कर पाएंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि आप अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन की जो लाइट होती है दोस्तों, उसको कम ज़्यादा कैसे करेंगे। दोस्तों स्क्रीन टाइम आउट पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये होता क्या है, ठीक है, और उसको कम ज़्यादा कैसे सेट करना होता है ये भी मैं आपको करके दिखाऊँगा। तो दोस्तों स्क्रीन टाइम आउट का मतलब होता है कि आपका जो एंड्रॉयड स्मार्टफोन है वो अगर एक बार आप एक बार आप उसे ऑन करके पावर ऑन करके पावर बटन से पावर ऑन करके अगर आप खुला छोड़ देते हैं, तो वो एक बार आपने अगर खुला छोड़ दिया तो उसके कितने देर तक वो स्क्रीन आपकी ऑन रहती है, ठीक है, जितनी देर तक ऑन रहती है वो उसका स्क्रीन टाइम आउट होता है। बाय डिफ़ॉल्ट मान लीजिए आपके एंड्रॉयड स्मार्टफोन के अंदर वो टाइम आउट 5 सेकेंड का अगर है तो आपकी स्क्रीन 5 सेकेंड बाद बंद हो जाएगी ऑटोमेटिक। आप चाहें तो अपनी नीड के अकॉर्डिंग, आपकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग उसे 10 सेकंड कर सकते हैं, 20 सेकंड कर सकते हैं, आधा घंटा तक कर सकते हैं, ये आपकी जिस तरीके की ज़रूरत है ना उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं, इसको कस्टमाइज़ करना बोलते हैं। तो स्क्रीन टाइम आउट का मतलब होता है कि आप अपने फ़ोन की स्क्रीन को कस्टमाइज़ करें अपनी ज़रूरत के हिसाब से, क्योंकि अगर मान लीजिए बाय डिफ़ॉल्ट 5 सेकंड के लिए पड़ा है तो आप जब भी कोई चीज़ सर्च करोगे और 5 सेकंड के लिए अगर आप स्क्रीन पे कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं तो वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। आपने 10 सेकंड के लिए सेट कर रखा है, 10 सेकंड के अंदर आप फ़ोन की स्क्रीन को नहीं टच करते हो तो 10 सेकंड बाद आपकी फ़ोन की स्क्रीन टर्न ऑफ हो जाएगी, आपको अपनी फ़ोन की पावर बटन को ऑन करके फिर से आपको स्क्रीन लॉक खोलने के लिए आपको पासवर्ड डालने पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम लोग पासवर्ड सेट करके रखते हैं अपने फ़ोन की मेन स्क्रीन के ऊपर, तो अगर वो फ़ोन जल्दी जल्दी स्क्रीन उसकी बंद हो जा रही है, टर्न ऑफ हो जा रही है, तो जल्दी जल्दी हम लोगों को बार बार पासवर्ड डालना पड़ता है ना, बार बार उसको अनलॉक करना पड़ता है। अगर आप उसको स्क्रीन अनलॉक है फिंगरप्रिंट अनलॉक है तो वो जल्दी से हो जाता है, लेकिन अगर आप पासवर्ड डालने वाला अगर आपने लॉक लगा रखा है तो इस केस में आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है बार बार पासवर्ड डालना, है ना, हर 5 सेकंड 10 सेकंड में आपको पासवर्ड डालना है। तो आपकी जितनी ज़रूरत है आप चाहें तो 15 मिनट 20 मिनट जितना चाहें उतना सेट कर सकते हैं, ठीक है, इसी को बोलते हैं स्क्रीन टाइम आउट। कैसे सेट करना है, आपको नॉर्मल सेटिंग्स में जाना है और सेटिंग्स में अगर आप जाएंगे तो नॉर्मली यहाँ पे आपको कोई रास्ता दिखेगा नहीं क्लियरली कि आपको कहाँ जाना है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को किस तरीके से करना है। चलिए आपको मैं ले कर चलता हूँ डिस्प्ले के अंदर। आप अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जा कर के आप नहीं अगर ढूंढ पा रहे हैं डिस्प्ले, तो आपको फ़ोन की सेटिंग्स में सबसे टॉप पे एक सर्च के लिए एक लेंस का आइकन दिखेगा, उस लेंस को टैप करें और आप डिस्प्ले सीधे आप सर्च कर सकते हैं यहाँ पे डिस्प्ले, ठीक है, अगर आप नहीं ढूंढ पाते हैं तो, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से आप ढूंढ सकते हैं, मेरे पास यहाँ सामने दिख रहा है, मैं डिस्प्ले के ऊपर टैप करता हूँ और उसको टैप करके आपको नीचे की तरफ आना है और नीचे आपको ढूंढना है स्क्रीन टाइम आउट, आपको स्क्रॉल करके ढूंढना है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, इसमें आप ये देख सकते हैं स्क्रीन टाइम आउट का ये ऑप्शन मुझे यहाँ पर दिख रहा है, तो मैं यहाँ सिंपल टैप कर दूँगा वन टाइम और आपकी अपनी नीड के हिसाब से यहाँ पे जो भी चाहें वो सेलेक्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम यहाँ पे आपको 10 मिनट्स का टाइम है, 15 सेकंड्स भी सेट कर सकते हैं, 30 सेकंड्स सेट कर सकते हैं, 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट सेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको सोच के रखना पड़ेगा, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इफ़ यू सेट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, मान लीजिए आप 30 मिनट के लिए, वैसे ऑप्शन में नहीं है, 10 मिनट मैक्स है, तो 10 मिनट अगर आप मैक्सिमम सेट करोगे ना तो इससे क्या होता है कि आपके फ़ोन की बैटरी भी ड्रेन होती है। अब आप पूछेंगे कैसे, दोस्तों ऐसे होती है कि मान लीजिए ये आपने काम कर दिया, सेट कर दिया और कभी कभी आपके लिए ज़रूरत होती है तो उस समय आप जल्दी जल्दी अपना
काम कर लेते हो 5 सेकंड या 10 सेकंड के लिए, लेकिन मान लो जब आपकी ज़रूरत पूरी हो जाती है, काम पूरा हो जाए, तो उस केस में भी ये चीज़ अप्लाइड होती है ना। आप छोटे से काम के लिए स्क्रीन को अनलॉक करके आपने छोड़ दिया, वो 10 मिनट के लिए जलती रहेगी स्क्रीन बिना ज़रूरत के, तो वहाँ पे आपकी बैटरी ड्रेन हो रही है ना। तो यहाँ से आपके अपने नीड के हिसाब से मिनिमाइज़ करके आप सेट कर सकते हैं, जितनी आपकी ज़रूरत है उससे 1-2 सेकंड, 1-2 मिनट ज़्यादा। तो मैंने यहाँ देख सकते हैं, मैंने 5 सेकंड का टाइम पीरियड सेट कर रखा है। मैं चाहता तो 10 मिनट भी कर सकता था, 5 मिनट मैंने किया हुआ है। 2 मिनट भी आप कर सकते हैं, 1 मिनट भी कर सकते हैं, 30 सेकंड्स कर सकते हैं, 15 सेकंड तक कर सकते हैं मिनिमम, और मैक्सिमम 10 मिनट्स तक। ठीक है, ओके। तो चलिए मैं आपको 5 मिनट ही रहने देता हूँ, इट्स ओके, राइट। सो इस तरीके से दोस्तों आप अपने फ़ोन की स्क्रीन की टाइम आउट को सेट कर सकते हैं। स्क्रीन टाइम आउट सेट करना बोलते हैं आपको, जनरली ये डायरेक्टली आपको सेटिंग्स नहीं दिखेगी, डिस्प्ले के जरिए आपको जाके इसको स्क्रॉल डाउन करके सर्च करना होगा। आप जो भी स्मार्टफोन यूज़ करते हो, नॉट ज़रूरी नहीं है कि आप सैमसंग ही यूज़ करो, कोई भी आप फोन यूज़ करते हो, सैमसंग अगर आप यूज़ करते हो तो सारी सीरीज़ में लगभग यही सेटिंग्स होती है लगभग। अगर और आप कोई एंड्रॉयड यूज़ करते हैं तो लगभग सेम तरीके का प्रोसेस होता है, अदरवाइज आप सर्च जो लेंस होता है उसके जरिए आप जा जाके ढूंढ के पता कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टेटस बार को डाउन करके अगर आप सोच रहे होंगे तो यहाँ पे आपको ये चीज़ डायरेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगी। आई होप दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड न्यू सेटिंग्स। आप मोस्टली लोगों में से चीज़ें आपको आती होंगी, आई अंडरस्टैंड, इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस, बट फ्यू ऑफ देम, फ्यू ऑफ यू डू नॉट नो दिस, सो दिस इज़ ओनली फॉर दोज पीपल। इफ़ यू लाइक्ड इट, इफ़ यू एंजॉयड दिस, प्लीज़ लेट मी नो, एंड टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।